क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टाइप टू एरर तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो टाइप के एरर होते हैं टाइप वन एरर और टाइप टू एरर तो क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप टू त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सही है तो यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट हैं इन चारों में से कौन सा टाइप टू एरर को लिए सही है वो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है पहला है रिजेक्टिंग एंड इनकरेक्ट हाइपोथेसिस किसी गलत परिकल्पना को अस्वीकार करना ऑप्शन टू है एक्सेप्टिंग एंड इनकरेक्ट हाइपोथेसिस किसी गलत परिकल्पना को स्वीकार करना तीसरा है एक्सेप्टिंग ए करेक्ट हाइपोथेसिस किसी सही परिकल्पना को स्वीकार करना या फिर चौथा है रिजेक्टिंग ए करेक्ट हाइपोथेसिस किसी सही परिकल्पना को अस्वीकार करना तो यहाँ पर आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन टाइप टू एरर के लिए सही है ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर कौन सा ऑप्शन सही है तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है देखिए हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि एजम्पन यानी कि आपको कोई चीज टेस्ट करनी है तो उसके लिए आप जो है एक एज्पशन बनाते हैं और उस एज्शन को टेस्ट करते हैं सपोज करके हम टेस्ट करते हैं कि ड्रिंकिंग सुगरी ड्रिंक्स डेली टू बिंग ओवरवेट यानी कि अगर आप मीठे मीठा ड्रिंक आप डेली पियेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ये हमने एक एजम्शन ले लिया अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही है नहीं है तो अब इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि देर इज नो स्टेटिस्ट स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल यहाँ पे एक वेरिएबल है ड्रिंकिंग सुगरी और ओवरवेट uh, ये दोनों वेरिएबल हैं तो अगर हम ये मानते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो ये क्या होगा नल हाइपोथेसिस होगा नल हाइपोथेसिस को उसको कहते हैं कि देर इज नो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इन दी हाइपोथिस वहीं पर अल्टरनेट हाइपोथिस जिसका अपोजिट हो जाता है वो क्या कहता है कि उनके बीच में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है अगर देर इज नो रिलेशन तो वो हो जाता है नल हाइपोथिस वहीं पर अगर कोई रिलेशनशिप हो, हो रहा है तो वो हो जाता है अल्टरनेट हाइपोथिस तो देर इज नो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इन दी हाइपोथिस तो उसको हम क्या कहते हैं नल हाइपोथिस जैसे कि देर इज नो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ वाटर आई फीड द फ्लावर एंड ग्रोथ ऑफ द फ्लावर्स यानी कि जो हम पानी डालते हैं फ्लावर में और उसके फ्लावर की ग्रोथ पे कोई भी रिलेशन नहीं है तो अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा और नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जीरो से किससे एच जीरो से, से. वहीं पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ वाटर आई फीड द फ्लावर एंड ग्रोथ ऑफ द फ्लावर तो क्या हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी ए हाइपोथेसिस यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच स्टेट दैट देर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सेट ऑफ वेरिएबल्स यानी

इस एरर को हम क्या कहते हैं टाइप वन एरर कहते हैं क्या कहते हैं टाइप वन एरर, यानी कि नल हाइपोथेसिस सही था फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इस एरर को हम टाइप वन के एरर कहते हैं वहीं पर नल हाइपोथेसिस गलत था और आपने रिजेक्ट किया तो करेक्ट डिसीजन था वहां पर कोई एरर हुआ ही नहीं इसी तरीके से अगर नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू था यानी कि सही था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया भाई सही था हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या होगा करेक्ट डिसीजन होगा तो करेक्ट लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस गलत था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा टाइप टू एरर कहलाएगा क्लियर टाइप टू एरर तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे कि अब सपोज करें कि आप जो है कोविड नाइन्टीन जो है माइल्ड सिम्टम के बेसिस पे टेस्ट करवाने जाते हैं कोविड नाइन्टीन और यहाँ पे क्या आता है कि अब दो एरर हो सकते हैं पहला कि द टेस्ट रिजल्ट सेज दैट यू हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डोंट यानी कि टेस्ट रिजल्ट ये कहता है कि आपको कोरोना वायरस है लेकिन जो एक्चुअली आपको नहीं है तो ये क्या हो जाएगा टाइप वन एरर जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं क्या कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं वहीं पर टाइप टू एयर क्या हो जाएगा दस्ट रिजल्ट सेज यू डोंट हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डू यानी कि टेस्ट रिजल्ट कहता है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है लेकिन आपको कोरोना है तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं टाइप टू एरर कहते हैं इसको हम फॉल्स निगेटिव भी कहते हैं और डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई बीटा क्लियर तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के एरर को ही हम टाइप वन एरर या टाइप टू एरर कहते हैं टाइप ओन एरर को अल्फा से टाइप टू एरर को बीटा से डिनोट करते हैं टाइप वन एरर कब आएगा जब नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया टाइप टू एरर कब आएगा जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्वेश्चन था कि टाइप टू एरर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है तो दैट इज ऑप्शन टू यानी कि एक्सेप्टिंग द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस जब आप इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज टाइप टू एरर कहलाती है हाइपोथिस टेस्टिंग में फिर शू ऑल द बेस्ट के पॉचिंग